27 तारीख में एक विशाल जनसभा है जिसमें हमारे ओपी राजभर साहब की जनसभा है, उनमें आमंत्रित किया गया है कि अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे। हिटलरशाही की सरकार है, संविधान तो है ना देश, बिल्कुल थानाशाही। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, संविधान के तुरंत थानाशाही है। संविधान पे फालतू की लड़ाई का मतलब ही नहीं है यार, हम तो उसके साथ भी खड़े हैं। अगर किसी की रैली उसके साथ में गलत हो रहा है, हम उसके साथ भी खड़े हैं। अरे हमारे साथ हो रहा है, भी खड़ा होना चाहिए। हम क्या हमने हम नहीं हम क्या मुस्लिमों की थोड़ी बात करें। ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो तमाम लोगों की बात करते हैं। वो हिंदू की बात करते हैं, कैसे मुस्लिम की बात जीती पर आप लोग वोट नहीं देंगे? वोट काट कौन रहा है ये बताओ मुझे। वोट तो पहले से जो पार्टी वो तो पहले से रहे, बसपा ने वोट काटी थी मुसलमानों की, नहीं काटी थी तो मौका अब मिला बोलने का। उससे पहले और क्या के ऊपर एकदम बोलते हैं योगी जी को बोलते चला। योगी जी उनका शेर है तो हमारा शेर ही हो रहा, हमारा भी तो शेर है। अगर उनका शेर है तो हमारा भी शेर है। कहने से आज तक कुछ हुआ है? वो तो बोल रहे सपा के। कहने से कुछ हुआ है? कहने से 2013 में अखिलेश ने कही थी 18% का आरक्षण दिया था क्या? वो तो बोल दिया था, मैं कहने से बोल रहा हूँ। आप क्यों आए? अच्छा बताइए आप, उनकी मोहब्बत है कि ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए? वो मोहब्बत में देखने आए खाली। हम आए हैं मोहब्बत में, सुनने भी आए, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो खाली मोहब्बत उनकी देखने तक की है? ये पांच उंगली एक हाथ में एक सार है, अलग है ना, कोई छोटी है कोई बड़ी है। ऐसी यहाँ जनता है, कोई किसी पार्टी का कोई किसी पार्टी का। हम MIM के कार्यकर्ता है, MIM को वोट देंगे, MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा जो है वो हाथ नहीं मिलाने वाली है AIMIM। तो हम कह भी नहीं रहे हाथ मिला लो, हम सब जीतेंगे। कैसे आप जीतेंगे? हम अपने दम पर, हमारी वोट कम है, हमारी वोट कम है। कम तो है ही। कितनी कम? 100 सीटों पे तो आप लड़ 100 सीटें कम है। हमारा गठबंधन कितना है वहाँ पे खड़े हैं लोग? गठबंधन कितने का है? कितने से? 403 सीटों का हमारा गठबंधन है जो राजभर साहब के साथ है। अब आप कहेंगे कि राजभर साहब ने तो कल सपा से बात कर ली समाजवादी से, तो हमारी पार्टी का हिस्सा है अभी तक, और इसका डिक्लेयर जो होगा वो 27 तारीख में होगा। तो सारी पार्टी के साथ है अगर बात की जाए तो? वो हमारा गठबंधन जो है 430 सीटों का है राजभर साहब के साथ जो है, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख में एक विशाल जनसभा है जिसमें हमारे ओपी राजभर साहब की जनसभा है, उनमें आमंत्रित किया गया है कि अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे। लोग अभी भी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं वोट काटने के लिए। कहाँ काटे? उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं वोट काटने के लिए। सपा पहले से ही मौजूद, ठेका ले लिया हमने। क्यों वोट ठेका ले लिया? वोटों का वोट कटेगी नहीं आपको? उनकी तो 100 वोट और हमारी 20 वोट, 80 तो वोट उनकी है ना, तो वोट तो उनके कटेंगे, हमारी 20 में क्या हो रहा। हमने ठेका ले लिया हर बार जिताने का, अब नहीं लेंगे ठेका। सपा पहले से ही मौजूद थी, सपा तो मुसलमानों के लिए काम कर रही थी ना। कहाँ कर रही है बता तो रहा हूँ मैं तुम्हें। 18% आरक्षण की बात होती है नौजवानों के लिए जो नौकरी के लिए थी। आरक्षण की बात आपको मायावती की बात की जाए अगर तो? मायावती जी, मायावती कहाँ है? क्यों नहीं है? कहाँ है नाम? देख रहे हो नाम? बसपा तो है ही है ना। कहाँ है बसपा? नहीं लगता इस बार नहीं, कहीं भी नहीं, नहीं लड़ गया लड़ेगी वो अपनी सीट पर नहीं लड़ पाई। अब क्या 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था अपनी सीट लड़ी थी वो? जवाब दो ना। नहीं अपनी सीट लड़ी थी इस बार तो लड़ेगी। कहाँ लड़ेगी? 22 के चुनाव। कहाँ? 2022 की लोकसभा में। कहाँ थी? लोकसभा में गठबंधन करके आई थी। गठबंधन था लड़ा ना। कहाँ जीती? क्या जीती? पर आप लोग वोट नहीं देंगे? वोट काट कौन रहा है ये बताओ मुझे। वोट तो पहले से जो पार्टी वो तो पहले से रहे। बसपा ने वोट काटी थी मुसलमानों की, नहीं काटी थी? मुसलमानों की कैसे वोट? क्यों ना काटी? समाजवादी ने नहीं काटी? समाजवादी तो पहले से ही मुसलमानों के साथ पूरा पीछे पार्टी बता। 2017 में जो हमने वोट ना किया, 71% वोट समाजवादी को मुसलमानों को गया था। क्या हुआ हमारे साथ? आजम खान जेल के अंदर है, निकाल के क्यों नहीं लाते? इल्जाम लगे हुए हैं। इल्जाम कहे के हैं? बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी है, इल्जाम है? सरकारी जमीन थी वो। कौन सी सरकारी जमीन थी? उनका गेट था, जो गेट लगा हुआ था। हाँ वो उनका नहीं था। वो उनका नहीं था, वो जो है जो योगी बाबा हैं, योगी बाबा के जो है और अखिलेश के ऐसे हैं, बिल्कुल हाथ मिले हुए हैं। बोला तो AIMIM को भी जाता है कि ये भी बीजेपी की पार्टी। कहाँ है साबित? बोला सबूत है आपके पास? सबूत क्या है उसके? उनका भी नहीं है। किनका? मैं दे रहा हूँ। कहाँ दे? मैं दे रहा हूँ ना। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था गठबंधन के साथ, इल्जाम आप भी लगा रहे हैं। कैसा लगा लोगे आप? इल्जाम तो आप भी लगा रहे हैं। हम तो तुम्हें बता रहे हैं, हम तो तुम्हें बता ना रहे हैं, हम तो तुम्हें साबित करके दिखा रहे। तुम हमें साबित करके दिखाओ। चलिए ठीक है, बताइए। चलो चलिए आप, 2017 में जो इलेक्शन हुआ था हम तो नहीं लड़े थे। बीजेपी क्यों जीती?
क्यों जीती बताइए, क्यों जीती? कहीं ना कहीं सपा में अगर बात की जाए तो फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, फैमिली प्रॉब्लम हो गई जब जीत की बीजेपी, फैमिली प्रॉब्लम हो गई। अब हम लड़ रहे हैं तो हम वोट काट रहे हैं। उस बार मोदी जी आए थे, मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा थे। लड्डू जो है दो हाथों में, मतलब एक हाथ में लेके देखो। अच्छा हाँ, ये हल्का भारी लड्डू हो रहा है अभी। सही बात है। क्या लग रहा है, हल्का साइकिल का लड्डू ज्यादा नीचे जाएगा? कौन सा साइकिल का ऐसे जा रही है? अगर हमारे साथ गठबंधन ना करेगी तो ऐसे जाएगी। पंचर होना ही होना है, पंचर होना ही होना है। अगर पंचर रोकना है, पंचर रोकना है, शेर आने वाला शेर की सवारी कर लो। क्या कहना चाहिए? शेर की सवारी कर लो आप। अच्छा, शेर आ रहा, शेर की सवारी होनी है। शेर तो जानवर है। अब तो यहाँ से लेके यहीं तक वाले भी बोलते हैं हमने शेर पाला हुआ है। कहाँ है? बोलते हैं योगी जी को बोलते। चला योगी जी उनका शेर है तो हमारा शेर ही हो रहा है। हमारा भी तो शेर है, अगर उनका शेर है तो हमारा भी शेर है। बीटिंग बोलने की मजबूरी है लोगों की। गैर मुस्लिम तो सब एक हो जाओ और मुसलमान एक हो नहीं पाते, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए बीटिंग बोला जा रहा। अगर एक पाले पे जिस दिन भी मुसलमान लोग सारे एक पाले पे आ गए ना, उस दिन जो है ना सब भाई, उसी दिन केस हो जाओगा। जब तक केस नहीं होगा, जब एक हो जाऊंगे, जब अभी एक नहीं है ना, तो बी टीम बोल रहे हैं मुसलमान तो एक हो नहीं पाते, गैरू सब एक हो जाए, यही दिक्कत है बस। अगर देखिए, अगर बात की जाए, सपा पहले से ही मैदान में थी। सपा अगर लड़ रही है, सपा बोलती कि हम मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, तो क्या जरूरत थी यहाँ पे AIMIM को? इससे तो वोट ही कटेगा ना। जरूरत तो बहुत सारी, जरूरत के लिए तो जब किसी चीज की नहीं रखी जाती, जब भी तो आगे बढ़ता, हर आदमी को हक आगे बढ़ने का। नहीं क्यों नहीं जरूरत है? नहीं क्यों नहीं कटेगा ना? मानते हैं कि वोट कटेगा? क्यों, वोट काटने के लिए तो आए हैं, हम काटे क्यों ना यार? अपने हक की लड़ाई लड़ना हर आदमी का अधिकार है, लड़नी चाहिए। सब सही बात है। अभी आपने एक सवाल करा भैया से कि समाजवादी पहले से थी, समाजवादी पहले से थी, अगर हमारे साथ इंसाफ होता तो हम MIM को न लाते, ना हमें जरूरत है हैदराबाद से शेर को यहाँ लाने की। हमारे साथ ना इंसाफी हुई, इस वजह से हमें ओवैसी को लाना पड़ा। अरे आपके पीछे वाले ही कह रहे थे लोग कि सुनने हम आए। हमारे पीछे जनसभा है, कुछ भी कह सकते हैं, ये जबान है, ये मैदान है, हिंदुस्तान है, अधिकार है बोलने का, और वोट का भी हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम अपनी वोट को जहाँ चाहेंगे वहाँ डालेंगे। हमें तो मौका अब मिला बोलने का, इससे पहले और क्या, जवानों के ऊपर ताले लगे बंद कर देते एकदम। मिला मौका बोलने का, अगर आप बोलेंगे इंशाल्लाह हम अब बोल रहे। अब देख ना रहे हो नौजवान कैसे बोल रहे हैं, दर्द हो रहा है पर बता कोई ना रहा। हाँ बता। पहले दर्द था लेकिन पहले नहीं बोल ना, अब ना बता रहा, अब क्योंकि बीजेपी का सुमो लगा हुआ पीछे से। हाँ हमारे पास नहीं है लगा हुआ, हम इसलिए बोल रहे, बोलने वाला आ गया इसलिए हम बोल रहे। उन्होंने हमें जबान दे दी, जब हमारे जबान के अंदर ताला था उसकी चाबी वैसे ने खोल दी है। अच्छा, किसने लगाया था ताला? समाजवादी ने लगाया, कांग्रेस ने लगाया, बसपा ने लगाया, बीजेपी ने नहीं लगाया। बीजेपी क्या ताला लगा, बस अपने ताला ना खुला। बीजेपी के तब का जमाना जब तोने का नंबर आ रहा है। AIMIM के लोग बीजेपी से क्यों डरते हैं? बीजेपी कौन डर रहा? कोई डर रहा भाई? बीजेपी से डर रहे हो? बीजेपी से डर रहे हो? बीजेपी क्या मतलब, हमारा कोई मतलब नहीं यार, किसे डर रहा? देखा ना लड़ाई समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, बीजेपी की? क्या हो क्या हो? सुनो देखो, हक की लड़ाई अगर जास्ती किसी के साथ भी हो, मुसलमान के साथ हो, गैर मुस्लिम के साथ हो, सब भाईचारा ही तो बांटना है। भाई फालतू की लड़ाई का मतलब ही नहीं है यार, हम तो उसके साथ भी खड़े हैं, अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ में गलत हो रहा है हम उसके साथ भी खड़े। अरे हमारे साथ हो रहा तो उन्हें भी खड़ा होना चाहिए। कहाँ हक मारा जा रहा है यार, कहाँ ना मारा जा रहा है यार? सारे तो स्कूल खत्म हो गए, बच्चे बेरो बिरान हो गए बिल्कुल, कहीं कुछ भैया सारी नौकरी वोकरी सब खत्म है। तो लग रहा है साहब के आने से मुसलमान एक हो जाएंगे? कोशिश कर रहे हैं के भाई आने से, तो बात दिक्कत की बात ये है, एक फैमिली में पूरे एक नहीं हो रहे यार सब लोग। भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, क्या काम करे। मुलायम अवतार आपके साथ करते, टोपी लगाते हैं, और अब कर रहे हैं कि हक नहीं दिलाए मुझे। अब खत्म वो अवतार की पार्टी। अब ना खजूर मर बिरयानी में बिक जाएंगे, अब तो धोए देंगे, अब अवतारी ना चलेगी। पहले बिकते थे, पहले बिक गए थे कुछ लोग, कुछ लोग बिक गए थे, कुछ लोग आगे नहीं बिकन देंगे उन्हें भी। अच्छा हाँ, अभी जो है ना हमारा घर एक करने के चक्कर में हम कैसे करेंगे, बिखरन ना देने के
सब पहले बिखरा था, पीछे ताऊ लोग कह रहे कि अरे वैसी आया बुजुर्ग है 10-5 साल की उम्र, अल्लाह ने और दे दे, पर इनका बात तो हमारा नंबर है, बुजुर्गों की बात नहीं सुनेंगे आप, बुजुर्गों की बात क्यों ना सुनेंगे, वो तो कह रहे हैं हमारी भी तो सुनेंगे, बुजुर्ग हमारी सुनेंगे, बुजुर्ग हमारी भी तो सुनेंगे, आप अपनी करेंगे, आप क्यों अपनी करने के ना, अब क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे आप, सबका है ना अपना एक सिस्टम होता है, देखो कोई भी इंसान है, इंसान को है ना सब चीज़ की बात रहने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन क्या है जो पॉलिसी है ना सरकार की वो अच्छी नहीं है, उन पॉलिसी से ना पब्लिक परेशान है, कौन सी पॉलिसी, सारी पॉलिसी है, किसान के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, नौकरी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, सब चीज़ के लिए है ना इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका ओनली हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई एजेंडा, आप सुनने आए हैं कि वोट भी देंगे, नहीं नहीं बेसिकली देखो मैं तो आया हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में ना जो डिसाइड होगा वो करेंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं, डिसाइड कौन करेगा, आप डिसाइड हम करेंगे, हमें अधिकार है वोट डालने का, तो वही जानना चाहते हैं, बस तो हम डिसाइड करेंगे ना, अभी तो तमाशा है, तमाशा चलता है तो सब देखते हैं, सही बात है, तमाशा ही देखने आए हैं क्या, नहीं तमाशा नहीं देखना है, हम यहाँ आए हैं और हम देखेंगे कि हमारे जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब वो आए हुए हैं और वो तमाम बातें जो हैं संविधान के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, और हमें हक है, हम जो हैं 21% हैं, दूसरे लोग कम परसेंट हैं, तो जाहिर सी बात है हमने 70 साल तक सिर्फ दूसरे को वोट दिया है, अगर हमें वोट देते हैं कौन सी परेशानी की बात है, अगर हम का शब्द जो है वो तो खत्म होता नजर आ रहा है, कैसे सेकुलर नाम का, अब ये बताइए अगर हम वोट मांग रहे हैं तो हम सेकुलर नहीं रहेंगे, हम क्या हमने हम नहीं हम क्या मुस्लिमों की थोड़ी बात करें, ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं करते हैं बल्कि वो तमाम लोगों की बात करते हैं, वो हिंदू तो की बात करते हैं, कैसे मुस्लिम तो की बात, जाहिर सी बात है कि जो भी आदमी होगा कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करेगा, अगर मुस्लिमों से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन साथ सबको लेके चल रहे, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सिर्फ मुझे मुस्लिम चाहिए, उन्होंने कहा हमें हिंदुस्तानी चाहिए, और मैं एक बात और बता दूँ कि वो तमाम हिंदुस्तानी को साथ लेकर चलने का हुनर रखते हैं और दम रखते हैं, अब तक 70 साल तक हमने क्या देखा, 70 साल तक सिर्फ हमने ये देखा है कि 70 साल तक हमने वोट दी और उसके बाद हम इस्तेमाल हुए और हमको फेंक दिया गया, तो क्या हमें अपने किस्मत के फैसले का मतलब लेने का हक नहीं है, हमें अपने किस्मत के फैसले लेने का हक है, और हार जीत तो मुकद्दर का हिस्सा होती है, हार जीत एक अलग चीज़ होती है, जो भी होगा वो हम उसका फैसला जो है ऊपर वाला खुद कर देगा, क्या लगता है 100 सीटों से उत्तर प्रदेश में क्या AIIMIM क्या किंग मेकर बन पाएगी, अरे देखिए एक बात है, हमारा ये मानना है कि जो भी चीज़ होती है वो हमें करना चाहिए, कहीं से तो शुरुआत करेंगे, अगर हम 100 सीटों की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, ये हमारा यकीन का साथ नहीं देंगे, सपा ने साफ कर दिया, सपा ने तो आजम खान का साथ नहीं दिया, ओवैसी का क्या साथ देगा भाई, आजम खान के तो साथ ही कहाँ साथ दिया आजम खान, अगर आजम खान का साथ दिया होता तो आज जेल के अंदर नहीं होता, जेल में नहीं होते, अगर आजम खान बाहर आ गए फिर सारे मुसलमान सपा में, लेकिन सुनिए ये बताइए कि जो आदमी ने पूरी जिंदगी अपनी समाजवादी पार्टी की खिदमत के लिए समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के लिए मुलायम सिंह यादव को जो है वजीर आला बनाने के लिए अखिलेश यादव को जो है उत्तर प्रदेश का CM बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, क्या वो बकरी चुरा सकता है, जो कैबिनेट मंत्री है उसको इल्ज़ाम लगाया, कहीं डिफेंस किया है उसका समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कोई डिफेंस नहीं किया है, और ये समझ लीजिए आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी होगी, ये समझिए, आजम खान के घर वाले मीम को सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं आप लोग, ऐसे बेगाने के साथ ही में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है, कैसे आजम खान का जिक्र तो समाजवादी वाले कर रहे हैं, अरे वो तो वक्त बताएगा कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, वो तो वक्त बताएगा, ठीक है वो वक्त बताएगा, वो अभी वेट और वॉच में है, और आजम खान कसूर ये था कि उसने मुसलमानों के लिए समाजवादी के आप आजम खान क्यों कर, अरे यहाँ तो कह तो दिया आपने सवाल किया था तो हमने उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आपने कहा था अखिलेश यादव तो ओवैसी साहब को लाइक नहीं करते, तो हम तो कह रहे वो आजम खान को भी लाइक नहीं करते, ऐसे लाइक नहीं करे, मंत्री बनाए विधायक बनाए और क्या चाहिए, तो वो फिर जेल के अंदर क्यों है, क्या सिर्फ क्या इस हिंदुस्तान के अंदर करेगा गुंडे ही करेगा वो जाएगा नहीं जेल, कौन चोरी कर रहा है, आप ये सब झूठे केस है, ये सब झूठे केस है, एक बात बताइए ये बताइए एक कैबिनेट मंत्री क्या भैंस उड़ा लेगा, मानते देश में संविधान है, संविधान के साथ तो कोई चल रहा है ना, संविधान खत्म है, मानते हैं संविधान खत्म है, इस टाइम कोई संविधान नहीं है, इस टाइम कोई संविधान नहीं है भैया, अगर हिटलर की सरकार है इस टाइम, हिटलर शाही की सरकार है, संविधान तो है ना देश, बिल्कुल थानाशाही है, किसान आज आंदोलन कर रहा है संविधान के, तुम थानाशाही है, संविधान है, क्या संविधान है, मैं मान रहा हूँ संविधान, लेकिन यहाँ फैसले जो लिए जाते हैं वो मतलब
डिफरेंट लिए जाते हैं। एक तरफ तो संविधान के तहत अगर फैसले लिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उस संविधान का गला घोट के भी फैसले किए जा रहे हैं। लगता है आप जी ऐसा क्या लगता है? आखिर मैं पूछना चाहूंगा 2022 में इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में? हमारी AIMIM की सरकार आएगी। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी इंशाल्लाह, ओवैसी की सरकार आएगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।